तो ये है हमारा डिस्प्ले बोर्ड जो रेडी होने वाला है ऑफिस के लिए, स्कूल ऑफिस के लिए। सबसे पहले मैंने इस पे वाइट चार्ट लगाया है, अभी इसमें कुछ नहीं किया और इसको मैंने स्टेपल किया अगर आप देखेंगे पास से। तो फिर मैंने इसके बाद ये वाला, ये एक्रिलिक कलर में ये अपना वायलेट मॉव कलर मंगवाया है, डार्क वाला, ठीक है। वैसे तो मैंने वाइट भी मंगवाया था इसमें मिक्स करने के लिए, पर मैं उसको करूँगी नहीं मिक्स, क्योंकि मेरे को इंटेंसिटी चाहिए कलर की, तो मैं मिक्स नहीं कर रही हूँ, मैं यही यूज़ कर रही हूँ। तो बस अभी इसको मैंने पानी में डिसॉल्व किया है कलर को, एंड अभी मैं डायरेक्टली इसके ऊपर इसको करूँगी। अभी हम एक कोट करेंगे इसका, और इसके बाद फिर एक कोट और होगा इसकी इंटेंसिटी थोड़ी डार्क करने के लिए। ये ऐसे पूरे पे करना है मुझे। एक्चुअली मुझे इसमें थोड़ा ब्लैक कलर मिक्स करना चाहिए था, पर मैंने किया नहीं, मुझे थोड़ी ब्लैक चाहिए, पर वो भी अच्छा लग रहा है। इसमें मैं डाल रही हूँ ठंडा पानी, और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मैंने इसमें ठंडा पानी क्यों डाला है, तो आप इस मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगर कोई ये वीडियो देख रहा होगा तो। वैसे तो मेरे चैनल पे आता ही कोई नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई खाता है गलती से देख रहा हो तो वो चाहे तो ये सवाल मेरे से पूछ सकता है। ठंडा पानी डालने से क्या केमिकल वो बनती है कलर की, ठीक है, कलर खराब नहीं होता। आइए हम इसको मारने का करते हैं। अब देखो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें आपको साफ स्ट्रोक्स नजर आ रहे हैं, आ रही है ना, पर उधर वाले में देखो थोड़ी बहुत आ रही है। जहाँ पेंट की इंटेंसिटी डार्क है वहां शाइन भी है, जहाँ पेंट की इंटेंसिटी कम है वहां शाइन नहीं है, ठीक है। लास्ट कोट मारेंगे वो एक्सक्लूसिवली पेंट का मारेंगे। अभी हम वाटर में मिक्स करके लगा रहे हैं, इसको पानी में मिक्स करके लगा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ये हमने 5-6 कोट करने हैं इसके, 3-4 भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि मेरे को मेरा कलर मिल जाता है जैसा मुझे चाहिए। 3-4 कोट्स में भी मिल जाता है तो फिर मैं 5-6 कोट्स नहीं करूँगी, और इसको एयर ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे हम हर एक कोट के बाद, ठीक है। पेपर को मैंने स्टेपल से किया था चार्ट को वो फिक्स, लेकिन जब आप इसमें पेंट करते हो एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये फट ना जाए क्योंकि बड़ा डेलिकेट होता है, और दूसरी चीज़ ये है कि आपका पेपर श्रिंक होने के चांसेस होते हैं, तो ये